मोहम्मद हफीज द प्रोफेसर, क्या क्लास आ गई है उसमें, उसके बारे में जरूर कुछ कमेंट्स कीजिएगा। देखिए, कहते हैं ना कि चिराग बुझने से पहले भड़बड़ाता जरूर है। अरे और मोहम्मद हफीज 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, अब उनको 18 बरस हो जाएंगे अप्रैल में। तो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंग्लैंड के टूर पर, फिर न्यूजीलैंड के टूर पर, फिर पीएसएल में जिस तरह परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, फिर T10 लीग खेलने गए अबू धाबी में, तो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इस बात का सबूत है कि मोहम्मद हफीज जो है वो आने वाले वक्त में लाहौर कलंदर्स के लिए एक बड़े जबरदस्त जो है वो साबित होंगे। और यकीनन वो हफीज की मौजूदगी, क्योंकि सीजन कैंपेनर है, 2012 के वर्ल्ड T20 में इन्होंने कप्तानी की थी, आपको याद होगा पाकिस्तान की, जो श्रीलंका में हुआ था। तो हफीज की मौजूदगी भी, उनका एक्सपीरियंस भी जो है वो लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। और कप्तान तो उनके अगरचे नए हैं, इतने सीजन नहीं है, सोहेल अख्तर रावलपिंडी के हैं, लेकिन हफीज का पूरा सपोर्ट है। मैं समझता हूँ हफीज जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट भी इरफान साहब ऑफर किया, उन्होंने उसको वापस लौटा दिया बड़े अदब के साथ। तो मैं समझता हूँ हफीज इस वक्त अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में, बैटिंग फॉर्म में, जैसे रिजवान है वैसे हफीज है। तो हफीज कैन प्ले अ बिग रोल इन लाहौर कलंदर्स विक्ट्री। दो निस सेंचुरियां बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, अब तक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है।